वेल well, दोस्तों इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम इसको डिस्कस करेंगे लेट्स सी तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन एक्चुअली क्या थी कि कोई फंक्शन जो w इज इक्वल टू जेड प्लस अल्फ़ा की फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन और एक्चुअल में मैं पिछले लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर, कर चुका था कि ट्रांसलेशन रोटेशन मैग्नीफिकेशन ये सब कुछ वन बाई वन बट यहाँ हम स्पेसिफिक ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डब्ल्यू जी टू जेड प्लस अल्फ़ा एक फंक्शन एक ऐसी फॉर्म है जो कि ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो मैं एक प्लेन ले रहा हूँ यहाँ पे एक जेड प्लेन और एक डब्ल्यू प्लेन तो द फर्स्ट टाइम मेरा ये वो है आपके पास जेड प्लेन और सेकेंड क्या होगा डब्ल्यू प्लेन ये जो दो प्लेन्स हैं तो जब ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके पास कोई भी फॉर्म जो मान लीजिए ये कर्व आपके पास किवन है तो इस कर्व की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो जाए उसका साइज वही रहेगा उसकी शेप वही रहेगी बस उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो हो चेंज हो जाएंगे उसके पोजीशन चेंज हो जाती है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं ओके okay? तो यहाँ आप इस डायग्राम में आप इजीली इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि ये मेरे पास एक जेड प्लेन है और ये उसके रिस्पेक्ट में जेड प्लेन के रिस्पेक्ट में एक डब्ल्यू प्लेन लिया है मैंने और ये जो आपके पास शेप गिवन थी आपको वाट एवर दिस इज़ अ रेक्टेंगल और स्क्वायर बड़ी रेक्टेंगल लिया है मैंने यहाँ पे ए बी सी डी तो ये जो रेक्टेंगल था ये डब्ल्यू प्लेन में कुछ ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं यानी कि इसकी पोजीशन जो है ना वो चेंज हो गई है तो इसी को ही हम ट्रांसलेशन के Uh, रूप में इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअली अब एक्चुअल में क्वेश्चन हम किस तरीके से लेंगे और उसमें ये ट्रांसलेशन के आपको करना क्या होगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा और वट यू हैव टू डू एक्चुअली दैट वी विल सी इन द एग्जाम्पल सो हेयर वट यू हैव अंडरस्टैंड दैट अंडर द ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मीन्स यू कैन सी द ट्रांसलेशन मीन्स द फंक्शन अंडर द ट्रांसलेशन मैपिंग द सेट इन डब्ल्यू प्लेन विच यू हैव किवन हैज अ सेम साइज एंड शेप इट मस्ट उसका साइज वही रहेगा उसकी शेप वही रहेगी जैसा कि वो पीछे जेड प्लेन में था ओके सो एज दैट ऑफ द

जेड प्लेन में एक फंक्शन आपको गिवन है दैट इज डब्ल्यू इज टू जेड प्लस वन प्लस टू आइटा तो आपको गिवन है डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस टू आइटा तो सी जेड का मतलब क्या है एक्स प्लस आइटा वाई देट एक्स प्लस आइटा वाई प्लस वन प्लस टू आइटा तो यहाँ पे आप इस जो रियल पार्ट है उसको अलग कीजिए और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लीजिए तो यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस टू एंड हैविंग आइटा अब जो बच्चों डब्ल्यू है ना W को हमने कम्प्लेक्स वेरिएबल जो फंक्शन में डिफाइन किया है वो हमने किया है कि W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन में इसको बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि U इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस वन और V इज इक्वल टू क्या हो गया वाई प्लस टू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन विच वी हैव सो डब्ल्यू इज इक्ल टू एक्स प्लस वन प्लस वाई प्लस टू आइटा तो इसको हम ड्रा करते हैं लेट्स सी हाउ तो ये मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक जेड प्लेन है और जेड प्लेन का आपको पता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक रियल और इमेजिनरी एक्सिस दो एक्सिस होते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स बनने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं ओके और उन्होंने बोला आपको हैविंग द वर्टिसेस वर्टिसेस क्या है प्लस माइनस वन और वर्� प्लस माइनस अल्टा ठीक है इसके रिस्पेक्ट में जो यहां स्क्वायर बनेगा वो इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा ओन टू होगा डब्ल्यू पी के ऊपर तो पहले आप ये देखिए आपके पास क्या है एक्स प्लस वन और वाई प्लस टू यू इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस और आगे आपको वैल्यूज दे रखी हैं प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस आल्टा इट मीन्स आपको यहां पे वर्ड इस वन है तो उनको आप बना लीजिए माइनस वन प्लस वन माइनस आइटा प्लस आइटा और यहाँ पे एक स्क्वायर को ड्रा कर लीजिए <coughs> ये मैंने एक स्क्वायर को ड्रा कर लिया वन प्लस वन माइनस वन आइटा एंड माइनस आइटा तो ये आपके पास एक स्क्वायर बन गया है ओके अब आपके पास ये जो वर्टिसेस हैं ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में गिवन है ओके समवेयर एक्स वाई की वैल्यू है वन एंड आइटा समवेयर एक्स की वैल्यू है माइनस वन एंड आइटा कहीं माइनस वन माइनस और कहीं वन और माइनस आइटा इस तरीके से आपके पास ये वर्टिस गिवन है अब हमें करना क्या है हमें इसको क्योंकि हमें क्या करना है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पे जाना है तो यही ट्रांसलेशन का मतलब है तो ये ट्रांसलेशन आपका क्या करेगा इस स्क्वायर को एज इट इज रखेगा नए वर्ड लाएगा अब पहला क्या है पहला पॉइंट ले लीजिए जिसके अंदर आपके पास वर्डिस हैं मान लीजिए वन प्लस आइटा यानी कि पहला पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ जहाँ वन और आइटा है यानी कि एक्स की वैल्यू वन है और वाई की वैल्यू क्या है आइटा है तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू आइटा तो आपको यू यू और वी जो आपने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं जो फाइंड आउट किए हैं एक्स प्लस वन और वाई प्लस टू की फॉर्म में तो वहाँ आप u uh, की वैल्यू और y v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू क्या है वन और y की वैल्यू क्या है वन तो सब डिट्यूट कीजिए तो u की वैल्यू आपको मिल जाएगी वन प्लस वन एंड वी इसिकलू टू और सिमिलरली v की वैल्यू बन जाएगी y प्लस टू यानी कि वन प्लस टू और ये मिलेगा हाँ थ्री तो यानी कि u कॉमा वी जो आपके पास कोऑर्डिनेट आया है वो आया टू कॉमा थ्री तो इसको आप इजीली तो यहाँ आपके पास एक कोऑर्डिनेट अपीयर हो गया फर्स्ट वाला सेकंड को इसी तरीके से हम करेंगे जेड इज इक्वल टू आपको गिवन है माइनस वन एंड आइटा तो इसको भी वही काम कीजिए यू इज इक्वल टू और वैल्यू पुट कीजिए आपके पास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू और आपके पास यू और वी की वैल्यू आ जाएगी जीरो कमर थ्री इसी तरीके से आपको थर्ड अगेन यू विल टेकिंग द वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस आइटा तो ये यू कैन

तो उसके रिस्पेक्ट में आपके पास यहाँ वर्ड अपीयर हो गए हैं जो कि पहले आपके पास में एक्स और वाई की फॉर्म में आपके पास अपीयर थे आ, प्लस माइनस वन एंड प्लस माइनस वाई टा की फॉर्म में ओके यहाँ डब्ल्यू प्लेन में रिस्पेक्ट में आपने फाइंड आउट कर ली है तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर जो आपका जेड प्लेन में था क्या वैसा ही स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है डब्ल्यू प्लेन में या नहीं तो पहला स्क्वायर आपका इस फॉर्म में था ऑलमोस्ट वन कोमा वन वन कोमा माइनस वन एंड माइनस वन कोमा वन एंड माइनस वन कोमा माइनस वन तो ये आपका डब्ल्यू प्लेन का स्क्वायर था अब ये जो डब्ल्यू प्लेन का जो स्क्वायर था ये ट्रांसलेट होके ट्रांसलेशन की जो मैपिंग आपको गिवन थी डब्ल्यूट जेड प्लस समथिंग तो वो आपका डब्ल्यू प्लेन में किस तरीके से जो स्क्वायर है वो बन सकता है तो जल्दी से हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं उनको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू प्लेन के ऊपर एंड वेन विल सी दैट विच काइंड ऑफ़ स्क्वायर विल अपीयर तो टू कॉमा थ्री ऑलमोस्ट यहाँ आप आएगा यू के वैल्यू टू वन कामा वन था तो ये टू कॉमर थ्री में ट्रांसलेट हो गया तो so, पहला कोऑर्डिनेट आपके पास आया टू कॉमर थ्री इसी तरीके से जो सेकंड है कुछ ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ऐसा बनेगा ओके okay? और मैं इसके कोऑर्डिनेट जल्दी से यहाँ लिख देता हूँ

सेट डब्ल्यू प्लेन पे हम गए सेम साइज है सेम शेप है बट उसके कोऑर्डिनेट्स उसकी जो पोजीशन है वो सेम नहीं रही वो चेंज हो गई है ओके okay, तो ये ट्रांसलेशन ने एक्चुअल में काम किया तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और उसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं थैंक